नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में जानते हैं उस्ताद अल्लाह खान खा साहब के बारे में। उनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को भारत के जम्मू शहर के फगवाल नामक जगह पर हुआ था। आरंभ से ही अल्लाह खान को तबले की ध्वनि आकर्षित करती थी। 12 वर्ष की अल्पायु में एक बार अपने चाचा के घर गुरदासपुर गए, वहीं से तबला सीखने के लिए घर छोड़कर भाग गए। इससे यह पता चलता है कि आपके मन में तबला सीखने की कितनी ललक थी। अलारखां खां 12 वर्ष की उम्र से ही तबले के सुर और ताल में माहिर थे। अलारखां खां घर छोड़कर उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद कादिर बख्श के पास चले गए। जैसे जौहरी हीरे की परख कर लेता है, वैसे ही उस्ताद कादिर बख्श भी आपके अंदर छुपे कलाकार को पहचान गए और आपको अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार आपकी तबले की तालीम विधिवत आरम्भ हुई। इसी दौरान आपको गायकी सीखने का भी अवसर मिला। बिया कादिर बख्श के कहने पर आपको पटियाला घराने के मशहूर ख्याल गायक आशिक अली खां ने रागदारी और आवाज लगाने के गुर सिखाए। ऐसा माना जाता था कि बिना गायकी सीखे संगीत की कोई भी शाखा पूर्ण नहीं होती। बहरहाल आप लगातार गुरु कादिर बख्श के निर्देशन में रियाज करते रहे। गुरु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत और लगन से आप एक कुशल तबला वादक बन गए। शीघ्र ही आपका नाम सारे भारत में लोकप्रिय हो गया। संगीत जगत में आपका तबला वादन एक चमत्कार से कम नहीं था। गुरु से आज्ञा पाकर आप तबले के प्रचार प्रसार में जुट गए। अपने वादन में चमत्कार से अपने बड़ी बड़ी संगीत की महफिलों में श्रोताओं का मन मोह लिया। सदे हुए हाथों से जब आप तबले पर थाप मारते थे तो श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। दाएं और बाएं दोनों हाथों का संतुलित प्रयोग आपके तबला वादन की विशेषता थी। सुविख्यात तबला वादक भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। अलारखां खां अपने को पंजाब घराने का मानते थे। अलारखां खां साहब के पुत्र का नाम झाकिर हुसैन है और जो स्वयं प्रसिद्ध एक बहुत बड़े तबला वादक है। तो आज यहीं पर रुकते हैं मित्रों, धन्यवाद।